हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार वेदन के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई थोड़ा आवाज़ शांत करोगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल नई नवेली आकृति हैं, तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल UPSI में एकदम अलग सी पूछी गई, जो बुक्स में भी शायद ऐसी कहीं आपको ना मिले। लेकिन जो भी चीज़, एक बात याद रख लेना कि जो भी चीज़ एकदम नहीं पूछी जा रही है वो बहुत मुश्किल नहीं होती, ठीक है? ये बात हमेशा मतलब ध्यान रखो कि अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो तो वो हल हो जाएगी, ठीक है? नई जो पूछी जाएगी वो नई तो ज़रूर है, हमने कभी पढ़ी नहीं है, पर वो मुश्किल नहीं होती। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। चलिए, तो UPSI 2017 बिंदुओं वाली आकृति नाम दे दिया इसको। 7-8 आकृति बना के देखी हैं, दिखाई हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी आकृति थी, वो मैं आपको PDF में दे दूंगा। टोटल 11 आकृति थी, 7 ही बना पाए हैं हम लोग यहाँ, ठीक है? बाकी आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो वालों को, तो वो मैं आपको PDF टेलीग्राम पे पहुंचा दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी आकृति, क्योंकि एग्जैक्ट तो यहाँ भी नहीं बनी है, थोड़ा बहुत हो सकता है फ़र्क मिले किसी एक आकृति में, अभी देखते हैं, ठीक है? तो अब जैसे पहला क्वेश्चन एकदम नहीं है सबके लिए, अब तक UPSI में पूछी, हो सकता है इस बार भी पूछी जाए, क्योंकि बहुत बच्चों ने गलत ही किया था, इनको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया क्या करना है, ठीक है? और हो सकता है और एग्जाम में भी देखने को मिले, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे। इसमें क्या था, लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी, लैंग्वेज मैं बता देता हूं कि भाई जैसे इसमें प्रश्न आकृति, ये प्रश्न आकृति होती है, उत्तर आकृतियां होती हैं। जैसे प्रश्न आकृतियों में जिस स्थिति में बिंदु रखे हुए हैं, उत्तर आकृतियों में किसमें ऐसे ही बिंदु रखे जा सकते हैं, ये इसकी लैंग्वेज थी कि भाई जैसे इसमें रखे हुए हैं ऐसे ही बिंदु इनमें रखने, तो बिल्कुल ऐसे ही कौन से में रखे जा सकते हैं, ये है इसका सवाल। तो अगर आप सोचो कि भाई ये 3 आकृतियां, ये तीनों यहां भी मिलेंगी, एग्जैक्ट वही मिलेंगी, तो जैसे आपने देखा कि भाई ये बिंदु कहां है, इन तीनों में कॉमन, तो इन तीनों में कॉमन यहां पे इसमें रख सकते हो क्या? नहीं, इसमें ये अलग हो गई, ये अलग हो, तो तीनों में कॉमन वाला बिंदु आ सकता है इस आकृति में या नहीं, बताओ भाई? आप क्यों यहां रख दो, तो फिर इस वाली आकृति में कैसे आ पाएगा, इस वाली में? ये बिंदु, ये वाला बिंदु सोच रहा हूं पहले मैं, तो ये वाला बिंदु इस आकृति में तो रखा ही नहीं जा सकता। आप सोचो इसमें रख सको, तीनों का कॉमन वाला हिस्सा है क्या कुछ, जो तीनों आकृतियों में कॉमन हिस्सा हो उसमें रखा जाएगा ये बिंदु, ये वाला, तो तीनों आकृतियों में कॉमन है कुछ या नहीं है, बताओ? ठीक है, ये ऐसे है जैसे वेन आरेख में नहीं करेंगे भाई, त्रिभुज है ये है, और जैसे यहां 4 लिख देते थे, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये टीचर है, तो डॉक्टर वकील टीचर कितने लोग हैं, 4, क्योंकि ये चारों कॉमन है तीनों में, ठीक है? तो उसी तरह का क्वेश्चन है, वेन आरेख से मिलता जुलता कह सकते हो इसको, ठीक है? तो अगर आप कहो ये बिंदु तीनों का कॉमन वाला इसमें नहीं रखा जा सकता, इसमें नहीं रखा जा सकता, इसमें जगह है, तो एक बिंदु तो रख दिया, अब दूसरे बिंदु की सोचूं कि भाई ये वाला बिंदु किस किस में कॉमन है, एक तो इस वृत्त में, और ये एक त्रिभुज जैसा जो दिखाई, त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसमें यहां गोलाई आ रही है, त्रिभुज जैसा जो दिखाई दे रहा, इन दोनों में कॉमन एरिया है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल है, वृत्त और त्रिभुज जैसा जो कॉमन एरिया, इन दोनों में रख दिया या नहीं रखे? आप क्यों यहां रखू, यहां रखू, कहीं रख दो, पर इन दोनों के कॉमन एरिया में ही रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? वरना तो ये ऐसे ही सोचते रहेंगे पता नहीं क्या है ये, बहुत आराम से। वैसे मैंने लैंग्वेज पढ़ी उससे आप समझ गए होंगे, अच्छा ये तो बड़ी आसान चीज है। अब जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप खुद कोशिश करो कि भाई ये बिंदुओं वाली आकृति कैसे करें, जैसे यहां पर रखें सेम रखने हैं, आप बताओ कौन से में रख सको। पहले तो ये तीनों का कॉमन एरिया, ये वाला तीनों के कॉमन एरिया में रखा हुआ कि नहीं, और ये वाला वृत्त में नहीं है, बाकी दो में है, तो ऐसे ही रखना, यही आकृति बनी हुई है तीनों में, देख लो आप, तो पहले, और बिल्कुल एज इट इज पोजीशन नहीं होगी, उल्टा सीधा बना के देगा, आपको कॉमन एरिया ढूंढना है पहले, तो तीनों का कॉमन एरिया इसमें मिलेगा क्या कुछ? नहीं है, बताओ।
आप क्यों ये तीनों का कॉमन एरिया नहीं है, ये तो इन दोनों का कॉमन एरिया, इसमें तो है ही नहीं। फिर आप क्यों यहाँ है कॉमन एरिया, नहीं है कॉमन एरिया। जब होता जब ये त्रिभुज यहाँ ऐसे निकल के जाता तो वहाँ कॉमन एरिया बन सकता था, तो इसमें कॉमन एरिया तीनों का नहीं है। आप देखो इसमें तीनों का कॉमन एरिया मिल रहा है क्या, कुछ नहीं है। ये वाली आकृति तो इन दोनों में तो है कॉमन एरिया ये रहा, लेकिन ट्रायंगल नहीं है इसमें, तो इस वाली में भी कहीं भी नहीं रख सकते। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। आ रहा है क्या समझ में, नहीं बताओ बस। चलो बहुत बढ़िया, अब देखिए इसमें कॉमन एरिया कौन सा है, तो आप देख पाएंगे कि ये वाला एरिया कॉमन है। बहुत बढ़िया, अब कहो कि ये वाला भी है त्रिभुज और ये जो पंचभुज सा है एम टाइप, इसका कॉमन एरिया भी है कुछ त्रिभुज और पंचभुज टाइप का, ये रख दिया तो बिल्कुल उन दो पॉइंट्स को हमने इसमें सेट कर दिया। और इसमें सेट कर सकते थे क्या, खुद बताओ इसमें सेट कर सकते थे क्या, तीनों का कॉमन एरिया इसमें भी कर सकते थे, ये तो बिल्कुल इसमें भी आ रहा है। तो भाई इस अच्छा बताओ बताओ, ओके गोले और ट्रायंगल, नहीं ट्रायंगल और इसमें, ट्रायंगल और इसमें नहीं है, ट्रायंगल और इसमें कॉमन एरिया बताओ, नहीं है ना, क्योंकि हमें वृत्त नहीं देखना, वृत्त नहीं देखना, ट्रायंगल और इसमें देखना कॉमन एरिया। ये वाला पॉइंट किसमें रखा, उधर वाला वृत्त में नहीं रखना, यही तो मतलब है, उधर वाला पॉइंट वृत्त में नहीं रखना, इसमें दिखा दो। ये तो चलो कॉमन एरिया में रख गया तीनों के में, अब एक पॉइंट ऐसा रख दो जो वृत्त में ना हो, बाकी दोनों में हो, रख ही नहीं सकते क्योंकि पूरा तो त्रिभुज वृत्त के अंदर बंद है, कैसे रख दोगे वृत्त से बाहर, रख ही नहीं सकते, तो इसलिए आप कहोगे डी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मेरे ख्याल से तो अब सारे सवाल आसानी से हो जाने चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल दे दे। अब आगे चार चार आकृति भी करिए किसी किसी सवाल में, यहाँ तीन तीन वाले हैं, कोई नहीं एक आध है चार में, ग्यारह जो चित्र है ना उनमें दूंगा पीडीएफ, चार वाले में थोड़ा ढूंढना मुश्किल पड़ेगा, आप ढूंढ लेना, यहाँ तो नहीं बनाया क्योंकि मुश्किल पड़ता बनाना चार वाले को। तीसरा अगर देखूं तो भाई ये एक तो चौकोर में, मतलब स्क्वायर कह दो इसको, और सर्किल में, स्क्वायर सर्किल में कॉमन एरिया बताओ कहाँ कहाँ है। स्क्वायर और सर्किल में अगर मैं यहां रखूं तो फिर ये इस तीनों में आ जाएगा, और कोई एरिया है नहीं। स्क्वायर और सर्किल में यहां रखूं फिर तीनों में आ रहा, और कोई कॉमन एरिया है ही नहीं। बहुत बढ़िया चित्र बनाया, नहीं यहां गड़बड़ हो जाती है बनाने में भी। चलो अब कहूं इसमें रखूं, नहीं रख सकता, इसमें रख सकता हूं क्या, इसने तो खुद ही रख के दे रखा, हमने तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई ये रख दिया। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, बहुत आराम से कर पा रहे हो, नए सवाल बेशक थे पर गौर से पढ़ लिया जाता तो बहुत आराम से हल भी होते। ठीक है, अगर मैं चौथे सवाल को देखूं तो देखिए नई आकृतियां किताब में नहीं मिलती है, अभी बुक में छापी नहीं, अब छापने लग जाएंगे बुक वाले भी। तो अब अगर आप देखो तो ये इस स्क्वायर में नहीं है, बाकी दोनों में है, तो ऐसी बताओ कौन से में रख सकता हूं, स्क्वायर में ना हो और बाकी दोनों में हो, ए में रख सकता हूं, चलो ये तो बनेगा, और बताओ स्क्वायर में नहीं रखना है बाकी दोनों में रखना है, तो भाई ये बनाने में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ गया हो, या किताब में भी तो बनाई गई है पेपर में से तो वहां से अंतर, या जहां से भी है तो भाई प्रिंट, क्योंकि पेपर तो ऑनलाइन आया था किसी ने तो छापी ही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये फर्क हुआ, इन दोनों में बन रही है। अभी अगर ये उत्तर बोलूं तो दोनों में, दरअसल में ये वृत्त यहाँ से निकालना चाहिएगा तब आएगा ये, इसका सही आंसर ये अब नहीं रखी जा सकती इसमें। ठीक है, अब रखी जा सकती है क्या, किसमें, ये हमें त्रिभुज और वृत्त में, त्रिभुज और वृत्त में अब नहीं रख सकते। ठीक है, ये ऐसे होगा चित्र, तो फिर अब ये भी ऑप्शन गलत, और बताओ इसमें भी रख सकते हैं। चलो फिर पता क्या होगा सवाल, मैं गलत कर रहा हूं, किसमें नहीं रखा जा सकता, ये भी था एक सवाल, बिल्कुल ये थोड़ा सबकी कॉमन लैंग्वेज हो गई है, चलो उसको वहीं से लाओ, सवाल बदल दिया लैंग्वेज,
बिंदु, इस तरह का बिंदु किसमें नहीं रखा जा सकता? इसमें रखा जा सकता है, इसमें रखा जा सकता है, इसमें रख सकते हो ऐसा? फिर आपका आंसर है ये, आपका आंसर है ये सी। बात समझ में आ गई? ये भी ध्यान देना है किसमें रखा जा सकता पूछा और किसमें नहीं रखा जा सकता पूछा। तो इसमें पूछा था नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हमने तो लैंग्वेज लिखी नहीं है ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। नहीं रखने वाला पूछा तो ये आंसर है, ठीक है। तो इसमें तीन में रखा जा सकता, एक में नहीं। बात समझ में आई? दोनों का अंतर समझ में आया ना। चलो अब पांचवा सवाल, मैं पीडीएफ दूंगा उसमें भी, हालांकि मैंने पर्सन और उत्तराकृतियों की फोटो खींचे, लैंग्वेज का नहीं इसमें, चलो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो वो पांचवा, पांचवा अब इसमें देख लेते हैं क्या है। ये ठीक है, ठीक है, यहां पे है, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा बताओ किसमें है जो त्रिभुज में नहीं आना चाहिए? त्रिभुज में नहीं आ, बाकी दोनों में आ जाए। इसमें तो रख ही नहीं सकते, ऐसी कहीं स्थिति ही नहीं है इन दोनों में रख सके भाई, इसमें और इसमें कहीं नहीं रख सकते। त्रिभुज में नहीं आना चाहिए इन दोनों में, ये एरिया आ रहा इन दोनों में कॉमन, ये तो त्रिभुज में भी आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। अब बताओ इसमें त्रिभुज और त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, इन दोनों में आ जाना चाहिए, सही है। और इसमें देखना, त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, इन दोनों में कोई एरिया है ही नहीं ऐसा, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा होगा? मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। छठा सवाल, अब आप देखो कि एक तो तीनों का कॉमन एरिया में, तीनों का कॉमन एरिया इसमें तो है ही नहीं, बताओ त्रिभुज में नहीं है कॉमन एरिया, तीनों का कॉमन एरिया ये रहा। और अब देखो त्रिभुज और वृत्त में, त्रिभुज और वृत्त में कोई एरिया है? त्रिभुज और वृत्त में है तो सही, ये वाला इधर वाला भी था थोड़ा सा, ठीक है, पर हो सकता है बनाने में फर्क हुआ हो, अगर कहीं और भी उत्तर आ रहा है तो, ठीक है। तो बनाने में कैसे कि त्रिभुज यहां से निकल रहा होगा, यहां से इस तरीके से, ठीक है। किसी और में बैठ रहा है क्या? अभी बता रहा हूं ना, क्यों गर्म हो रहे हो, ठीक। तो तीनों, तीनों में ये रहा, ठीक है। अब आप देखो कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये तो रख दिया हमने तीनों का कॉमन एरिया, त्रिभुज और वृत्त में और देखूं, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त इसमें नहीं आना चाहिए, त्रिभुज और वृत्त ये रहा, सही है बात, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी रख दिया, उसमें भी रख दिया। अब यही देखना है कि भाई ये जो त्रिभुज है ये फिर यहां होगा या उसमें कहीं कमी है, आकृति में बनने में कहीं ना कहीं, या किताब में कमी है। तो मतलब क्योंकि पहली बार सवाल आए हैं तो उस तरीके से, अब देखो अब नहीं बन सकता इसमें, ऐसा होना चाहिए था ये चित्र, अब है एग्जैक्ट चित्र, ठीक है। चलो भाई टाइपिस्टी तो बना रहे हैं किताबों में भी, क्या करें, चलो ठीक है। तो बी और सी, अब तक बी और सी दोनों उत्तर थे, लेकिन अब सी है खाली, डी में भी है, फिर तो नहीं वाला ही होगा फिर ये भी, क्यों हम जो चित्रों को, पर इससे भी समझ बढ़ रही है आपकी, चाहे कुछ भी सही, इसमें भी बना रख पा रहे हैं क्या, तीनों का कॉमन एरिया और तीनों का तो ये हो गया ना, और एक क्या है त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त में कॉमन, त्रिभुज और वृत्त में कॉमन इसमें नहीं आना चाहिए। अब देखो ये भी वही, इतना सही फर्क पड़ रहा, त्रिभुज, अच्छा ये वाला त्रिभुज और वृत्त, ठीक है। तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा था, इसमें भी बन रहा था उस हिसाब से, तो फिर तो ये हो जाती। तो अब ये नहीं और वो का सवाल हमें लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो वो नहीं का सवाल होगा जिसमें तीन में बन रहा हो और एक में नहीं बन रहा हो, वो नहीं का सवाल है, यहां लिखे नहीं है क्योंकि एक ही लैंग्वेज में लिख दिया सारे को, कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना, बस ये चाहिए। सातवां सवाल, अब वो ध्यान देना है आपको, तीन में बन रहा तो वो नहीं वाला सवाल, अपने आप लिखेगा ऊपर, टेंशन ही नहीं लेनी। तीनों का कॉमन एरिया और अर्धवृत्त और वृत्त में, तीनों का कॉमन एरिया अर्धवृत्त और वृत्त इसमें तो रख गए,
तीनों का कॉमन एरिया अर्धवृत्त और वृत्त, अर्धवृत्त और वृत्त में आ रहा है कुछ, अर्धवृत्त और वृत्त ये है, ये है अर्धवृत्त और वृत्त, और कहाँ यही है बस, ऊपर तो कवर है, अर्धवृत्त और वृत्त तो यहां भी रख गया। फिर वही बात, ठीक है मैं आपको पीडीएफ दूंगा, वहां से क्लियर होगा ज्यादा। तो अर्धवृत्त और वृत्त, एक तो तीनों का कॉमन एरिया इसमें तो है ही नहीं। अब आप देखो तीनों का कॉमन एरिया अर्धवृत्त और वृत्त, तो ये भी नहीं वाला सवाल हुआ। तो इसका मतलब तीन में तो बन गया, तीन में तो रख गया, पॉइंट हम देख रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं रखा, तो यही पूछ रहा होगा किसमें नहीं रख सकते, फिर आंसर आपका ये हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, स्पष्ट रूप से आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, और अब कोई दिक्कत इन सवालों में नहीं है। या तो नहीं का पूछता है, या पूछता है किसमें रखा जा सकता है, किसमें नहीं रखा जा सकता है, ये दो ही तरह के सवाल बनते हैं इसमें, और सारे टाइप हमने ले दिए हैं। अब ऐसा एक भी बच्चा बताओ कि जी मेरी समझ में नहीं आया, एक भी हो तो बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा उन सवालों को। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाए।